दोस्तों यहाँ पर सालार मूवी के ऊपर जो है वो परिणीति चोपड़ा का काफ़ी शानदार रिव्यू सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रिव्यू के अंदर परिणीति चोपड़ा बोलती हुई दिखाई दी है कि सालार मूवी ने जो है वो यहाँ पर हम सबको हिला दिया है, क्योंकि यहाँ पर सालार के अंदर जिस तरीके का एक्शन दिखाई दिया है वैसा जो कि मैंने आज तक किसी भी मूवी के अंदर एक्शन नहीं देखने को मिला है, और जो सस्पेंस क्रिएट किया है इस मूवी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। स्टोरी टेलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है, तो इस वजह से जो कि यहाँ पर ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और मैं जो कि यहाँ पर सलार 2 को भी देखना पसंद करूँगी। उसी के साथ यहाँ पर सलार जो है काफ़ी एक बहुत ही बड़ी बेहतरीन कलेक्शन करने वाले है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कलेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, यहाँ पर वर्बासना की हर एक जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कि 500 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है यहाँ पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनाती हुई देखने को मिली है सालार। और दोस्तों यहाँ पर सलार जो कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो कि यहाँ पर 500 करोड़ बनाती हुई देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो कि अगले हफ्ते के अंदर अगले वीकेंड तक जो है वो यहाँ पर 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है यहाँ पर सलार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर 1000 करोड़ के क्लब के अंदर भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर जो सलार की एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, थिएटर्स के अंदर भीड़ जो है वो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिल रही है। इतनी भीड़ जो कि मुझे किसी मूवी को नहीं देखने को मिली है जितनी जो कि यहाँ पर सलार के लिए भीड़ जमा होती हुई दिखाई दी है। बर्बासना के फैंस इतने ज़्यादा एक्साइटेड देखने को मिले हैं। उसी के अलावा अगर यहाँ पर ओवरसीज़ के अंदर बात की जाए तो दोस्तों ओवरसीज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो है यहाँ पर 7.3 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की जो है वो यहाँ पर ग्रॉक्स कलेक्शन कर लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और भी यहाँ पर जो कलेक्शन है वो यहाँ पर काउंटिंग के अंदर अभी तक स्टार्ट है, अभी भी यहाँ पर जो कि और ज़्यादा कलेक्शन आती हुई देखने को मिलेगी। वही यहाँ पर हिंदी के अंदर भी जो कि सलार ने काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर जो है वो यहाँ पर तबाही मचा के रखी है। और दोस्तों जिस तरीके से जो यहाँ पर सलार हर तरह जगह से जो कलेक्शन करती हुई दिखाई दे रही है, उन सबको देखने के बाद दोस्तों यही लगता है कि सलार का मुकाबला करना अब जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सलार का पार्ट 2 जो आने वाला है वो भी भाई साहब काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। सलार हिंदी के अंदर भी जो कि 100 करोड़ के क्लब के अंदर जाती हुई देखने को मिल चुकी है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम आज के दिन की अगर बात करें सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सलार ने जो है वो टोटल जो 7.6 लाख से भी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर टिकट सोल्ड आउट कर ली है, वो भी यहाँ पर 9,521 शोज़ के अंदर। टोटल जो ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वो यहाँ पर 29% से भी ज़्यादा दिखाई दी है। बाकी अगर नेशनल चैंस की बात करें तो यहाँ पर PVR के ऊपर जो कि 1.1 लाख से भी ज़्यादा जो टिकट्स हैं वो यहाँ पर सोल्ड आउट होती हुई देखने को मिली है। टोटल जो कलेक्शन है वो यहाँ पर जो कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा की दिखाई दी है। INX के ऊपर 1.1 लाख से भी ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट होती हुई दिखाई दे रही है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा की जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिली है। और साइन पॉलिश के ऊपर जो कि 41,000 से भी ज़्यादा जो टिकट सोल्ड आउट होती हुई दिखाई दी है, और 1.1 करोड़ से भी ज़्यादा की जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती हुई देखने को मिली है सालार की। अगर यहाँ पर आल थिएटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 15 करोड़ से भी ज़्यादा की जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई दिखाई दी है एडवांस बुकिंग के अंदर। अब यहाँ पर आज के दिन के तो टोटल क्या कलेक्शन आती है ये जो कि हमको शाम को पता चलेगा, रात को पता चलेगा, जो कि आपको आने वाले वीडियोस के अंदर हम बताते रहेंगे। वैसे छोटी सी वीडियो थी सलार मूवी के बारे में, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी। और अगर आप यार परबासना के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप यहाँ पर सच्ची में परबासना को प्यार करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर परबासना OP जरूर लिखिएगा। ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों।